तो फाइनली बच्चों 27 मार्च गणित का पूरा पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं और 27 मार्च गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके 27 मार्च को आने वाला है। अगर आपने 27 मार्च से पहले इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथ के अंदर, गणित के अंदर आप 27 मार्च को पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों, ये पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको यहां पर नामांक दिया गया है, रोल नंबर आपको इसमें फिल करना है, ये वाला जो बॉक्स है इसमें आपको रोल नंबर फिल करना है। और इस बार आपको पेपर है उन पेपर में क्यूआर कोड है वो भी मिल रहा है, तो क्यूआर कोड भी आप देख सकते हैं। और ये पेपर के कोड नंबर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 और मैथ्स का ये पेपर है आपके जो 27 मार्च को होने वाला है। तो इस पूरे पेपर को आपको उत्तर सहित इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। समय है वो भी आप देख सकते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिला है, क्योंकि मैथ्स का जो पेपर है वो आपके थोड़ा लॉन्ग आता है, बड़ा पेपर आता है, तो पूरे प्रश्न आपको करके आने हैं। और यहाँ पर है आपके पूर्णांक है 80, यानी 80 नंबर का ये पेपर है प्यारे बच्चों। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं, जिसमें पहला निर्देश है आपके कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और 4 नंबर है आपके कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखना है। तो ये पूरा पेपर है और इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन एंड राइट इट इन द आंसर शीट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि दो संख्याएं हैं जिनका मैसे आपको दे रखा है 27। मैसे का मतलब होता है आपके HCF, यानी HCF आपको दे रखा है 27 और लेसे यानी LCM आपको दे रखा है 162, यानी 162। और एक संख्या आपको दे रखी है, यानी वन नंबर आपको दे रखा है 54। और सेकंड नंबर है वो आपको हमें ज्ञात करना है, यानी दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर HCF कितना है 27, LCM कितना है 162 और एक संख्या दे रखी है, तो एक संख्या को हम क्या मान लेते हैं A, यानी A का मान 54 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं B। अब देखिए दोनों HCF और LCM में क्या संबंध होता है, HCF और LCM में संबंध होता है आपके प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए HCF गुणा LCM, यहां पर आप मैसे गुणा लेसे भी लिख सकते हैं, ए का मान हमारे पास कितना है 54 और गुणा बी का मान हमें ज्ञात करना है, और HCF हमारे पास कितना है 27 गुणा में LCM कितना है 162। अब देखिए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो बी बराबर आपको लिखना है 27 गुणा 162 बट्टे में क्या आएगा आपके 54। अब देखिए 27 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का भाग 162 में कितनी बार जाएगा 81, यानी 81। तो इसमें प्यारे बच्चों जो सेकंड नंबर है आपके, जो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या आपकी 81 आएगी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर दे आपका सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है आपके, यदि द्विघात बहुपद, यानी एक द्विघात बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका एक शून्यक दे रखा है, इसका एक जीरोज आपको दे रखा है 2, आपको k का मान ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ए ऑप्शन में 10 दे रखा है, ब में आपके -10 और स में -7 और द में आपके -2। तो देखिए इसमें जो शून्यक दे रखा है, पहले आपको द्विघात बहुपद लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k, और इसमें देखिए एक शून्यक 2 दे रखा है, तो जहां पर x है उसकी जगह हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो यहां पर x है तो इसकी जगह 2 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर
प्लस 3, इसके बाद में गुणा का साइन और अक्ष का मान कितना है 2, और प्लस का क्या है के। अब देखिए 2 का स्क्वायर है 4, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और प्लस का कितना है के। अब 4 और 6 कितने होंगे 10, और प्लस का के, और इक्वल में क्या है आपके 0, तो के बराबर होगा आपके 0 माइनस का 10, यानी के बराबर माइनस 10। तो माइनस का 10 आपके कौन से ऑप्शन में है वो आपका सही होगा, यानी बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है कि चार छात्रों के हिंदी में प्राप्तांक दे रखे हैं आपको 53, 75, 42 और 70। इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 42, ब में 64, स में 60 और द में आपके 56। तो देखिए समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी का हमें क्या करना है, योग करना है, यानी 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70 और बट्टे में कुल संख्या कितनी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 4 का भाग देना है। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके 240 और बट्टे में है 4, 4 का भाग 240 में कितनी बार जाएगा 60 बार, यानी सही ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि K का वह मान जिसके लिए आपको समीकरण दे रखे हैं 3x प्लस y प्लस 8 बराबर 0 और 6x प्लस ky बराबर माइनस 16, इसमें आपको संपाती रेखा को ये समीकरण व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम क्या मानेंगे a1 और इसको क्या मानेंगे a2, ओके, और ये आपके b1 है और ये आपके क्या है b2 और यहाँ पर ये आपके है c1 और ये है प्यारे बच्चों आपके c2। अब देखिए ये समीकरण में ऐड है, ओके, इसके इक्वल में 0 है तो इसको भी ऐड करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये संपाती रेखाओं का जो युग्म है वो होता है इस प्रकार से होता है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अब देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3 और a2 का मान कितना है 6 और बराबर b1 का मान कितना है y की जगह मतलब इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 रखेंगे और b2 का मान कितना है आपके k और इक्वल में c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना है 16। अब देखिए ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो दोनों बराबर हैं क्योंकि इनका अनुपात बराबर 1:2 आएगा। अब इसको हम लेते हैं पहले को और इसको, तो देखिए इन दोनों को हम वज्र गुणा करते हैं तो 3 को k से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3k और बराबर में 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, तो k बराबर कितना आएगा आपके 6/3 यानी k बराबर 2, तो k का मान 2 आएगा आपके, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 और उसके बाद में 47 का अंतिम पद से दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। ये आपके प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है और इनका बीच का जो अंतर है वो सार्व अंतर है और ये आपके अंतिम पद है। आपको दूसरा पद ज्ञात करना है अंतिम पद से। अगर आपको अंतिम पद से कोई भी पद ज्ञात करना हो तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे an-1 × d, ओके। अब an का मान है आपके अंतिम पद जो कितना दे रखा है 47 और n यानी कौन सा पद हमें पूछा है दूसरा, तो 2-1 गुणा में d का मान कितना है सार्व अंतर आपके आएगा 3। अब देखिए 47-2 में से 1 घटाएंगे 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 47 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपके 44, यानी सही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प यानी कौन सा ऑप्शन है जो समरूप आकृतियों में सम्मिलित नहीं है यानी वर्त। तो प्यारे बच्चों ये भी आपके क्या होता है समरूप होता है और वर्ग है, सभी वर्ग भी आपके समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं समरूप, यानी ये तीनों समरूप के उदाहरण है, एक तो समबाहु और एक वर्त और एक वर्ग, इसमें आयत वो समरूप नहीं होता है, तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, यदि बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 4 और P
और बी के दे रखे हैं आपको एक और जीरो के बीच की दूरी आपको दे रखी है पांच, आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि यहां पर ए पॉइंट है उसके निर्देशांक है चार और पी, और बी पॉइंट के निर्देशांक क्या है आपके एक और जीरो, और बीच की दूरी है वो पांच यूनिट है। अब देखिए यहां पर ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। तो देखिए अंडर रूट सूत्र क्या होता है दूरी का, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर में दूरी है आपके पांच। अब देखिए अंडर रूट एक्स टू का मान कितना है, एक्स टू का मान है एक माइनस एक्स वन का मान है चार और इसका होल स्क्वायर, वाई टू का मान है जीरो माइनस वाई वन का है पी इसका होल स्क्वायर बराबर में पांच। अब देखिए इस पर रूट है इस पर रूट नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस तीन का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर में पांच का स्क्वायर कितना होता है पच्चीस, तीन का स्क्वायर नौ प्लस पी स्क्वायर बराबर में पच्चीस। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर पच्चीस माइनस नौ, तो पी स्क्वायर बराबर पच्चीस में से नौ माइनस करेंगे सोलह, इसका होल स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या लग जाए रूट, रूट सोलह का मान कितना होता है चार। तो चार कौन से ऑप्शन में है आपके, यानी बे ऑप्शन में आपका चार दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चार। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि आठ कोट स्क्वायर थीटा माइनस आठ कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, आठ कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है माइनस आठ कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है यहां पर ए दे रखा है, जो एंगल है वो क्या है ए। अब देखिए आठ कोट स्क्वायर ए, आपने एक फार्मूला पढ़ाया कि वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, होता है ना। और अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक को बराबर में लेके आना है, यानी कोट स्क्वायर को हमें बराबर में लेके आना है, तो कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपके। अब देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी माइनस आठ सेम टू सेम, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए आठ कोट स्क्वायर ए, आठ कोट स्क्वायर ए माइनस आठ को एक से गुणा करेंगे आठ, और माइनस आठ को प्लस कोट स्क्वायर ए से करेंगे तो माइनस का आठ कोट स्क्वायर ए, माइनस का आठ कोट स्क्वायर ए, ये माइनस है और ये प्लस से कट गया तो कितना बच गया माइनस आठ, यानी ऑप्शन नंबर से आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर नाइन है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार, 10 मीटर क्या है ऊंची एक मीनार है, तो सबसे पहले आपको एक मीनार बनानी है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। अब इस मीनार के आधार से दूरी, आधार कितना है आपके 10 अंडर रूट तीन दे रखा है, आपको क्या करना है मीनार का जो शिखर का अवनमन कोण है ये वाला जो कोण है एंगल है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये लंब दे रखा है ये आधार दे रखा है, लंब और आधार के बीच में क्या संबंध होता है आपके टेन थीटा, ओके होता है ना, टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार। अब देखिए टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है 10, आधार है आपके 10 रूट तीन। अब देखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर 10 एकम 10 और यहाँ पर अंडर रूट तीन। अब देखिए टेन थीटा बराबर, यानी टेन कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री होती है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बटा अंडर रूट तीन होती है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 10 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री, यानी जो अवनमन कोण हमें पूछा है वो कितना आएगा आपके 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर से आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 5 7 9 अक्ष, इसमें आपको चार पद दे रखे हैं और इन चार पदों का जो समांतर माध्य है वो कितना दे रखा है 9, हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है, यानी हमारे पास चार नंबर हैं, एक तो 5 है, एक 7 है, एक 9 है, एक अक्ष है, इनका समांतर माध्य 9 दे रखा है, अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग हमें करना है, यानी 5 + 7 + 9 + अक्ष और बट्टे में आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4
चार नंबर है हमारे पास, बराबर में माध्य कितना है हमारे पास 9। अब देखिए 7 और 5 12, और 12 और 9 कितने होते हैं 21, तो 21 प्लस एक्स बटे 4 बराबर में 9, इसको अपॉन में 1 लेकर इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल। अब देखिए 1 को 21 प्लस एक्स से करेंगे 21 प्लस एक्स, और 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, तो एक्स बराबर आएगा आपके 36 माइनस 21, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपके 6 में से 1 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी एक्स बराबर क्या होगा आपके 15। तो इसमें 15 आपके बे ऑप्शन में है, तो बे ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, आप देख सकते हैं, यदि एक बाह्य बिंदु से P से एक O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी जो आपस में क्या हैं बराबर और दोनों 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो हमें पी ओ ए ज्ञात करना है। देखिए प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, पहले आपको एक सर्कल बनाना है, ये आपके एक सर्कल है और यहाँ इस सर्कल से बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम है आपके पी। अब देखिए यहाँ पर दो स्पर्श रेखा दे रखी है, दो स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच ली हमने, इसका नाम है ए इसका नाम है बी, यानी पी और पी बी, यहाँ ओ केंद्र है तो इसको केंद्र से क्या करेंगे मिला देंगे। अब हमें पी ओ ए पूछा है, यानी ये वाला एंगल हमें पूछा है, हमें दिया क्या है, हमें दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये वाली जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, तो संपूर्ण एंगल कितना है आपके 180 डिग्री का, और 180 में से ये 80 डिग्री घटा देंगे कितना बचेगा 100 डिग्री बचेगा। अब देखिए दो स्पर्श रेखाएं हैं तो दो का भाग दे दो यानी 50 डिग्री, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार ट्रिक का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, यानी जो अर्ध गोला है आपके हेमिस्फीयर है उसका सी एस से आपको बताना है, तो ए ऑप्शन में है 2πr², ब में आपके 3πr², स में 4πr² और द में आपके πr². तो देखिए यहां पर हमें अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपके 2πr² होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, एक वर्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना है 300 डिग्री, हमें लघु त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना है, तो देखिए दीर्घ और लघु दोनों मिलाकर कितने के होते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है 360 डिग्री के होते हैं, तो देखिए बाकी कितना बच गया है आपके 60 डिग्री बच गया है, तो बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 है कि घटना ए होने की प्रायिकता व घटना ए नहीं की होने की प्रायिकता के योगफल, यानी ए होने की प्रायिकता को हम लिख सकते हैं पी ए से, और ए नहीं होने की प्रायिकता को हम लिख सकते हैं पी ए बार से। अब योगफल हमें पूछा है तो इनके बीच में प्लस लगा दो, बराबर में क्या होता है, बराबर में एक होता है मेरे बच्चों, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो इसका मान कितना आएगा आपके ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि अक्ष के किस मान के लिए दो अक्ष अक्ष प्लस 10 ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं, तो अक्ष का मान हमें बताना है, अक्ष का मान हमें बताना है, तो देखिए पहला पद हमें दे रखा है 2 और दूसरा पद है हमारे पास अक्ष प्लस 10, तीसरा है हमारे पास 3x+2। ओके अब इन दोनों पदों का जो डिफरेंस है वो हम करेंगे, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, का मान कितना है एक्स प्लस 10 और माइनस a1 का मान है 2x। अब a3 का मान कितना है 3x+2 और माइनस a2 का मान कितना है x प्लस 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 10 माइनस का 2x और 3x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 10। अब देखिए x में से 2x माइनस करेंगे माइनस का x प्लस का 10 और यहां पर 3x में से x घटाएंगे 2x और 2 में से 10 घटाएंगे 8 माइनस का। अब देखिए माइनस का x प्लस का 10 इक्वल के बाद साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपके माइनस का 3x और
दस और आठ अठारह हो जाएंगे प्लस के। अब माइनस का तीन अक्स बराबर माइनस का अठारह, माइनस से माइनस कैंसिल, अक्स बराबर अठारह बट्टे तीन यानी अक्स बराबर छह। प्यारे बच्चों अक्स बराबर छह, अक्स बराबर छह यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में सेकंड है आपके प्रश्न संख्या दो है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि तीन के प्रथम पांच गुणजों का योगफल हमें बताना है। तो तीन के प्रथम पांच गुणज कौन कौन से हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं तीन और छ, नौ और बारह और पंद्रह, यानी इनका हमें योग करना है, इनको जोड़ दो प्यारे बच्चों, तो वह हमें इसमें लिखना है। ओके, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो कोस 45 का मान होता है आपके प्यारे बच्चों, कोस 45 का मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब हमें यहां पर स्क्वायर दे रखा है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो इसका मान आ जाएगा 1 अपॉन 2। उसके बाद में तीसरा है शंकु का आयतन हमें बताना है, तो शंकु का आयतन है वो आपके 1 बट्टे 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या चार है, बटन दो तीन चार तीन पांच दो व तीन का बहुलक, तो इसमें ऐसा नंबर कौन सा है सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार है प्यारे बच्चों आपकी तीन, तो इसका बहुलक हो जाएगा तीन। उसके बाद में है प्रश्न संख्या पांच कि माध्यिक वर्ग वह वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता से अधिक तथा समीपते होती है, तो किससे अधिक है, एन बाई टू से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या छह है, यदि आर त्रिज्या के एक वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में संबंध होता है। देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल और क्षेत्रफल ए में क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है आपके एक बट्टा दो गुणा एल गुणा आर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यह आपको ध्यान रखना है, आर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, एल आपके चाप की लंबाई है और क्षेत्रफल में ये संबंध है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या सात है, यदि पी ई नहीं होने की प्रायिकता है 0.95, तो पी ई की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, यानी होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए एक में से आपको माइनस करना है, तो एक माइनस 0.95, तो ये माइनस करेंगे तो ये आपके आएगा 0.05 आएगा, 0.05, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या तीन है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है आपके, एक द्विघात बहुपद के अक्ष स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या तीन है आपके कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x माइनस 3y बराबर 9 और 2x प्लस ky बराबर 11 का कोई हल नहीं है। और प्रश्न संख्या चार है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 4:9, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पूछा है 16:81। उसके बाद में प्रश्न संख्या पांच है कि -3 -5 और -3 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। प्यारे बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न संख्या छह आपके कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है, हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। और सातवां प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या है 7 सेमी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 132 वर्ग सेमी, हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या आठ है, एक वृत्त के संगत त्रिज्यखंड चाप की लंबाई है 22 सेमी और वृत्त की त्रिज्या है 21 सेमी, तो केंद्र पर अंतरित कोण है वो हमें ज्ञात करना है। और नौवां प्रश्न है, एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दसवां प्रश्न है आपके, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि नदी के ऊपर
पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड ब है आपके सेक्शन बी है जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके दो नंबर के हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या चार है कि सिद्ध कीजिए कि अंडरूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपको सिद्ध करना है कि अंडरूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। और पांचवा प्रश्न है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के शून्य को के वर्गों का योग 40 है तो के का मान याद कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि समीकरण निकाय x प्लस y बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, इसको हल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। और आठवां प्रश्न है यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 2, 4 और बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 5 और K और B बिंदु के निर्देशांक हैं K और 7 से क्या है समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है, तो हमें K का मान है वो फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 9 है यदि 8 से के बराबर 17 है तो साइने और कोटे का मान है वो प्रकलित करना है। और प्रश्न संख्या 10 है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार 60 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई है हाइट है वो हमें ज्ञात करनी है। और 11वां क्वेश्चन है यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AB तथा AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 140 डिग्री तो हमें कोण BAC ज्ञात हमें करना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है, प्रकलित करना है। और प्रश्न संख्या 14 है प्यारे बच्चों कि निम्न बारंबारता बटन सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए तो इस सारणी का हमें बहुलक ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से सभी बादशाह बेगम और इक्के निकाल दिए गए हैं, शेष बचे पत्तों को भली प्रकार फेंटने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता है और एक लाल रंग का पत्ता है। उसके बाद में है खंड स है आपके सेक्शन सी है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके तीन नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य आपको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है यानी डायरेक्ट मीन आपको फाइंड करना है। ये जो टेबल दे रखी है आपको वर्गंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है और इसका आपको क्या करना है आपको प्रत्यक्ष माध्य है वो ज्ञात करना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य आपको कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है यानी इसका माध्य है वो आपको कल्पित विधि से ज्ञात करना है। तो इसकी जो टेबल है वो आप देख सकते हैं, इसमें टेबल आपको ये वाली दी गई है जिसमें वर्गंतराल दिया गया है, बारंबारता इसका आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना है यानी एज्यूम्ड मीन आपको फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न दिया है आपको कि समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग क्या हो 81 हो 81 हो। और प्रश्न संख्या 18 है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए ओ एक और माइनस पांच बी ए माइनस चार पांच को मिलाने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। अथवा में प्रश्न है कि बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां एम 0, 5 रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। यदि ए के निर्देशांक 2, 8 है तो बिंदुओं ए और बी के मध्य की दूरियां हैं वो भी आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 19 है केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी तथा ए सी खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए सी बराबर 2 कोण ओ बी सी है।
उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या अथवा में दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। उसके बाद में खंड द है आपके सेक्शन डी है, सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, तो ये टेबल आपको दी गई, इसका मीडियन आपको ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, इसमें आपको मोड याद करना है, तो ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल का आपको क्या निकालना है, बहुलक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से आपको खंभे की दूरियां हैं उनका अंतर 7 मीटर दे रखा है, क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा। और अथवा में प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी है तो समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 22 है, आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, जिसमें टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट प्लस कोट बटे 1 माइनस टेन बराबर में 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। और अथवा में दे रखा है आपको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 प्लस कोसे बट्टा 1 माइनस कोसे बराबर में क्या आना चाहिए, कोसेक प्लस कोटे आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर मैथ्स का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया, अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथ्स के अंदर आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। जो आपका पेपर होगा 27 मार्च को, तो 27 मार्च पेपर में आप पूरे 80 नंबर हैं वो आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।